जरीपटका पुलिस स्टेशन अंतर्गत न्यू इंदौरा मायानगर में आरोपी आशुतोष उर्फ मनोज भालदरे ने अपने साथी मित्र हिमांशु और गटिया नानगावे के साथ मिलकर न्यू इंदौरा मायानगर निवासी सुमित दुर्योधन टेंभुरने पर घातक शस्त्र से हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जख्मी की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब रहे कि आरोपी का जख्मी के साथ पुराना वाद विवाद था और इसी वाद विवाद की आड़ में घात लगाए बैठे आरोपियों ने जख्मी सुमित दुर्योधन टेंभुरने पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने उसके हाथ पैर छाती पर धारदार हथियार से वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। इतना ही नहीं तो इन दोनों आरोपी युवक ने उसे बेरहमी से पीटा भी। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद जख्मी सुमित की मां की शिकायत पुलिस में दर्ज होते ही पुलिस ने भी तुरंत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जरीपटका पुलिस स्टेशन हद्दीतील न्यू इंदौरा मायानगर या ठिकाणी दिनांक 14/1/2023 रोजी 4:30 वाजण्याच्या सुमारास सुमित दुर्योधन टेंभुरने राहणार इंदौरा मायानगर यास आरोपी नामी आशुतोष उर्फ सोनू मनोज भालदारे राहणार न्यू इंदौरा मायानगर व त्याचा साथीदार हिमांशु उर्फ गट्ट्या विश्वजीत नांदगावे वय 27 वर्ष राहणार माडा क्वार्टर पोलीस स्टेशन कपिलनगर या दोघांनी पूर्वीच्या भांडणाच्या कारणावरून चाकूने धारदार चाकूने त्याच्या डोक्यावर छातीवर व हातावर मारहाण करून त्यास गंभीर जखमी करून त्यास ठार मारण्याचा प्रयत्न केला आहे। त्यावरून जखमी सुमित दुर्योधन टेंभुरने याच्या आईच्या तक्रारीवरून जरीपटका पोलीस स्टेशन येथे दोन्ही आरोपी यांच्याविरुद्ध भारतीय दंडविधान कलम 307(34) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। गुन्ह्याचा तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक राजकुमार त्रिपाठी हे वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली करीत आहेत। दोन्ही आरोपी यांना काल दिनांक 17/1/2023 रोजी अटक करण्यात आले। गौरतलब रहे की जरीपटका पुलिस स्टेशन अंतर्गत न्यू इंदौरा मायानगर में आरोपी आशुतोष उर्फ मनोज भालदरे ने अपने साथी मित्र हिमांशु उर्फ गटिया नागदावी के साथ मिलकर न्यू इंदौरा मायानगर निवासी सुमित दुर्योधन टेंभुरने पर हमला बोल दिया था। फिलहाल पुलिस आगे की जाँच कर रही है। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।